दोस्तों अभी हम हैं गाजीपुर में। हमारे साथ एक मशहूर यूट्यूबर कह लें मनीष कश्यप भैया हैं, जो कि हमारे गाजीपुर में वीरों की धरती में आए हैं। आज है 5 तारीख। तो भैया, हमारे गाजीपुर जिले में आपको आके कैसा लग रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे, और विकास जो है ना वो मंगल ग्रह तक पहुँच गया है। आने के लिए रास्ता एकदम आलिया भट्ट जैसा चिकना नहीं है, ओम पुरी जैसा गड्ढा है रास्ते में, और इमरान खान जैसा गटर जगह जगह पे देखने को मिल जाएगा जो साफ सुथरा नहीं है। तो बस यही, बाकी गाजीपुर का तो नाम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में फेमस है, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। मैंने भी सोचा था कि जाऊँगा ढूंढने का प्रयास करूँगा, लेकिन दिखा नहीं कहीं। क्या करेंगे, हमारे जो युवा हैं दौड़ने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भर्ती नहीं आती है। आप भी थोड़ा मीडिया के कर्मी हैं, एक जैसे थोड़ा बोलेंगे तो थोड़ा आर्मी का भर्ती आएगा, क्योंकि 3 साल से आर्मी की भर्ती नहीं है। आपके माध्यम से क्या पता सरकार सुन ले, क्योंकि आप एक वायरल मैन हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी हो लैकवन संघ के नौकरी दे दो, लैकवन संघ बहुत परेशान बाड़ा संघ, और साथ में आर्मी के भी बहाली निकाल दो। पिछला 3 साल से आर्मी के बहाली नहीं खे निकलल तो निकले के चाही। भोजपुरी में कह देनी है, चूंकि गाजीपुर में आई बानी। सही है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है। तो और गाजीपुर में आप कितने दिन तक रहेंगे यहाँ पे? गाजीपुर में रहेंगे कितने दिन? कुछ देर तक रहेंगे। अरे रात भर रहेंगे या आप चले जाएंगे? नहीं, आगे जाना है। कोई नहीं, हम इनका कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और बताइए, मतलब आप पत्रकारिता कब से, कितने दिन से शुरू किए हैं आप? अरे बहुत दिन से किए। आप तो पहले एक इंजीनियर थे, फिर के बाद आप पत्रकारिता में आ गए, कैसे? बस मन किया कि कुछ सुधार किया जाए, तो आ गया मैं। तो आपके इच्छा अनुसार पत्रकारिता में आने के बाद क्या आपको अच्छा लगता है पत्रकारिता के काम? क्या आप जो भी काम कीजिए शिद्दत के साथ कीजिए, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? और आपका अधिकतर वीडियो बहुत लोग देखते हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ये बताइए। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जब मेरा वीडियो लोग देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाजीपुर में आप आए हैं, देखिए आपको देखने के लिए इतने लोग आ गए हैं, आपके बहुत दूर दूर तक फैन है, हमने देखा है मणिपुर, बिहार, अदर उत्तर प्रदेश में भी, कई जिले में। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के रैली में घुस जाता हूँ, मैं बीजेपी के रैली में घुस जाता हूँ, कांग्रेस के रैली में घुस जाता हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, कोई भी मुझे दलाल नहीं कहता है। क्योंकि मैं जिस रैली में जाता हूँ उसी रैली के लोगों से सवाल कड़वे कड़वे करता हूँ। आप निष्पक्ष बने रहिएगा, लोग मान सम्मान प्यार देंगे। निष्पक्ष नहीं बने रहिएगा, किसी पार्टी का प्रचार कीजिएगा पत्रकार बन के, तो लोग गाली देंगे। तो अच्छा लगता है, लोग प्यार देते हैं, तो हर जगह जाता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ भैया जी थे, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा हमारे चैनलों को भूल दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर। अरे इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले मोदी जी बच्चों को सब्सक्राइब करने का मौका दीजिए, और बच्चों को रोजगार दीजिए, रोजगार जरूरी है। और सरकारी जॉब जब तक 2% नहीं मिलेगा देश में, तब तक 98% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। तो सबसे पहले सरकारी सेक्टर में रोजगार उत्पन्न करने की ज़रूरत है, और उल्टा सीधा वो नहीं देने की ज़रूरत है न्यूटन का फोर्थ लॉ, कि नहीं हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, बच्चों को स्वरोजगार की तरफ आगे लेके जा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी उत्पन्न करना पड़ेगा और बच्चों को सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बहुत ही अच्छा लगा, भैया जी हमारे साथ बहुत अच्छा बात की, अच्छा लगा हमें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।